बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या बोलती है FTC चैनल देखने वाली पब्लिक। हम लोग निकलने वाले हैं अभी पोर्टर के एप्लीकेशन को ऑनलाइन करके, देखते हैं आज कहाँ कहाँ पे विजिट करते हैं, कहाँ कहाँ पे लोकेशन पे जाते हैं और कितना अर्निंग करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, फटाफट से हम लोग अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन करते हैं और देखते हैं फर्स्ट ट्रिप हमारी कहाँ पे आती है, कहाँ कहाँ हम लोग पिकअप करते हैं, कहाँ कहाँ पे ड्रॉप करते हैं और कौन सी लोकेशन पे चलते हैं। चलते हैं फटाफट पोर्टर के एप्लीकेशन को करते हैं ऑनलाइन। चलते हैं भारी और बाहर जाने के बाद में बाहर से ही ऑनलाइन करेंगे पोर्टर के एप्लीकेशन को और फिर जो भी ट्रिप आएगी हम लोग वहीं से निकल जाएंगे। निकलने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह जी सखर लेना आजा वमा कुन्ना लहू मुकरिमिन व इन्ना इल्ला रब्बिना लमुन कलीबुन। सो गाइस करते हैं पोर्टर के एप्लीकेशन को ऑनलाइन और देखते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर कहाँ का आता है, फिर निकलेंगे अपने लोकेशन पे पिकअप करने। जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस एक ऑर्डर आ गया है, पवई टू मुलुंड है लोकेशन। फटफट चलते हैं और करते हैं पिकअप और यहाँ से पिकअप लोकेशन जो है अपना 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, 6 मिनट का रास्ता है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं पिकअप में क्या है, उसके बाद करेंगे ड्रॉप। तो गाइस अभी हम लोग अपने पिकअप लोकेशन पे पहुँच गए, यही बिल्डिंग में अपने को पिकअप करना है। तो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है पिकअप में और उसके बाद में करेंगे उसको भी फटफट ड्रॉप। गाइस पिकअप हम लोगों ने उठा लिया है, ये थैली है, इसके अंदर पता नहीं क्या है, कुछ खाने पीने का सामान है। अभी हम लोग को निकलना है, अपना ड्रॉप लोकेशन जो है वो मुलुंड है, यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है। फटाफट चलते हैं, ये पिकअप को करेंगे क्लोज और करेंगे वेट नेक्स्ट ट्रिप का और आज देखते हैं हम लोग कितना अर्निंग करते हैं और कितना ट्रिप मारते हैं, कहाँ कहाँ पे विजिट करते हैं। अभी हम लोग है ड्रॉप लोकेशन पे, 11वें फ्लोर पे हूँ मैं और कस्टमर को मैंने पार्सल जो था दे दिया, उसका पेमेंट भी आ गया अपने, दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, पेमेंट भी आ गया है। ऑर्डर को भी हम लोग करते हैं क्लोज और वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रिप का, अगर जो भी ट्रिप आएगी मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं फटाफट अपनी गाड़ी की तरफ और करते हैं वेट नेक्स्ट ट्रिप का। सो गाइस जस्ट मुझे एक ऑर्डर आया है जो कि है मुलुंड से है, नियर बाय मेरे, और ड्रॉप जो है इसका बैंड्रा है। तो पिकअप लोकेशन जो है ना इसका यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है पिकअप लोकेशन। फटाफट चलते हैं और देखते हैं पिकअप में क्या है और उसके बाद में करेंगे ड्रॉप जो कि बैंड्रा में है। तो गाइस मैंने पिकअप कर लिया हूँ, कुछ ये लिफाफा है, सो मुझे पहुँचाना है इसको बैंड्रा और यहाँ से मेरे हिसाब से कुछ 59 मिनट लगेगा, 26 किलोमीटर की दूरी है। तो गाइस फटाफट चलते हैं और करते हैं ये ट्रिप को ड्रॉप और करेंगे वेट नेक्स्ट ट्रिप का। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग बैंड्रा में है और तो क्या नाचोगे? अपना ड्रॉप लोकेशन जो था वो मैंने दे दिया हूँ, जो लिफाफा था अपने पास दे दिया हूँ और ट्रिप को भी कर दिया हूँ मैंने क्लोज। वेट करेंगे हम लोग नेक्स्ट ट्रिप का, जो भी ट्रिप आएगी मैं आपको बता दूंगा स्टार्टिंग से एंड तक। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग कुछ खाते हैं यार, बहुत भूख लग रही है, उसके बाद में करेंगे कोई दूसरा ट्रिप, पहले कुछ खाते। Few inches later. So guys, अभी मेरा खाना हो गया है और फिर हम लोग आ गए, एक ऑर्डर भी आया है मुझे, अभी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक है। पहले कस्टमर से बात कर लेते एक बार, मैं पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। हाँ सर मैं पहुँच गया हूँ आपके लोकेशन पे, ये जो बिल्डिंग है ना आपकी कल्पना प्लेस, इधर पे आओ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, कितने माले पे आओ बोले? शॉप नंबर 4, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप नंबर 4। ओके ओके मैं आ रहा हूँ। तो कस्टमर से मेरी बात हो गई है, ये बिल्डिंग में जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। फटाफट चलते हैं और देखते हैं पिकअप में क्या है, उसके बाद करेंगे ड्रॉप। तो गाइस ये है अपना पार्सल, फटाफट करते हैं इसको ड्रॉप और करेंगे फिर नेक्स्ट ट्रिप का वेट। तो गाइस जो अभी मेरे पास पार्सल था वो मैंने कर दिया अभी डिलीवर, सो फटाफट मैं ट्रिप को करता हूँ एंड और फिर करेंगे हम लोग वेट नेक्स्ट ट्रिप का। जो भी ट्रिप आएगी, जो भी पिकअप रहेगा मैं आपको बता दूंगा।
गाइस अभी हम लोग थे सलमान खान के बंगले के, वहाँ थे, वहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं इतना कुछ खास तो, और वहाँ ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आगे ना शाहरुख खान का भी बंगला है, तो वहाँ पे भी एक बार जाके देख लेते क्या है उधर पे भी, कितने लोग खड़े हैं या कुछ शाहरुख खान दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जो भी रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। शाहरुख खान का बंगला है ये जो दिख रहा रहेगा ना आपको, यही है। गाइस फिलहाल यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है शाहरुख खान के बंगले के सामने, लेकिन जब इसका बर्थडे रहेगा ना शाहरुख खान का, जिस दिन शाहरुख खान जी का बर्थडे रहता है ना, उस दिन यहाँ पे खड़ने के लिए भी जगह नहीं रहती, इतना क्राउड रहता है पुलिस वाले आते भगाने के लिए। तो ये बंगला है शाहरुख खान का। अभी हम लोग ने जितना फ़ोटो खिंचाना था, वीडियो बनाना था, बना लिए। अभी करते हैं वोटर के एप्लीकेशन को ऑन और करते हैं कोई वेट नेक्स्ट ट्रिप का। यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, इतना मस्त हवा चल रही है इधर पे। थोड़ा देर यहाँ पे सुकून से बैठेंगे, अपने जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद निकलेंगे अपने लोकेशन पे। सो गाइस मुझे एक ऑर्डर आ गया था जो मैंने पिकअप भी कर लिया हूँ, और अभी करते हैं ट्रिप को स्टार्ट और देखते हैं यहाँ से कितना किलोमीटर की दूरी पे। 7 किलोमीटर की दूरी पे आधे घंटे का रास्ता। गाइस अपना ड्रॉप लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ, ये बिल्डिंग में देना है अपने को पार्सल। फटाफट पार्सल देते हैं और फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। A few inches later. So guys, अभी मैंने पार्सल दे दिया हूँ ये बिल्डिंग में। सो अभी निकलते हैं अपने घर के लिए। जितना अपने को कमाना था कमा लिए, जितना ऑर्डर मारना था मार लिए। आज हम लोगों ने 2-3 लोकेशन पे, नई लोकेशन पे घूमे भी है। जैसे कि आपको पता है बांद्रा लोकेशन में मैं आज था, तो वहाँ पे सलमान खान का घर आपने देखा रहेगा और दूसरा जो है शाहरुख खान का घर देखा रहेगा। चलते हैं अपने घर के लिए, निकलते हैं। A few inches later. So guys, अभी मैं आ गया हूँ अपने घर पे। जितना ऑर्डर मारना था मैंने मार लिया, आप लोगों ने स्टार्टिंग से एंड तक देखा रहेगा मैंने कितना क्या ऑर्डर मारा हूँ, कौन सी लोकेशन पे गया हूँ और कितना मैंने कमाया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना अपने चैनल को। हाँ गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको, अंगार आफत आतंक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासू वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल। और हाँ, दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, एंड ऑलवेज स्टे एक नंबर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आप तक फटाफट पहुंच जाए।